हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वीटी और आप सभी का अपने चैनल नेचुरल केयर पे ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी अपने घरों पे स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। दोस्तों, मुझे बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि उनके जो बाल नीचे से रफ हो गए, स्प्लिट एंड्स की उनकी प्रॉब्लम हो गई है और उनके जो बाल हैं वो बढ़ना रुक गया है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रेमेडी लेके आया हूँ। इस रेमेडी के इस्तेमाल करने के बाद आपके जो स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होगी दोस्तों, वो आपके रिमूव हो गए, साथ ही साथ आपके बालों में ग्रोथ भी आएंगे दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, आप इस रेमेडी को यूज़ कीजिएगा तो आपके जो बाल होंगे वो सॉफ्ट और सिल्की बनेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस रेमेडी को आप बॉयज़ और गर्ल्स आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ें से बना है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए हम लोग फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल नेचुरल केयर को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो बेल आइकन दिए उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल वीडियो लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आप फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग यहाँ पे एक अनियन ले लेना है। अनियन दोस्तों इस टाइप का लाइट पिंक कलर का होना चाहिए, यह हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पे अनियन ले लिया है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका छिलका उतार लेना है। अनियन में दोस्तों सल्फर की मात्रा पाई जाती है, जो हमारे हेयर के स्कैल्प में कोलेजन के मात्रा को प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से हमारे हेयर ग्रोथ में हेल्प मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे अनियन का छिलका उतार लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, इस टाइप का एक कटोरी ले लेना है। उसके बाद हम लोग को एक छिलनी ले लेना है, इसकी मदद से हम लोग को अनियन को ग्रेट कर लेना है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे अनियन को ग्रेट कर ले रही हूँ दोस्तों। अनियन हमारे हेयर ग्रोथ में तो हेल्प करता ही है, साथ ही साथ ये हमारे हेयर लॉस को मेंटेन करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो मैंने यहाँ पे अनियन को ग्रेट कर लिया है। अब हम लोग को क्या करना है, एक कटोरी ले लेना है और इस टाइप का एक स्ट्रेनर ले लेना है, और स्ट्रेनर की मदद से हम लोग को अनियन के जूस को स्ट्रेन कर लेना है दोस्तों अनियन का जो जूस होता है, आप इसे एज इट इज़ ऐसे ही अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल है हमारे बालों के लिए। मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट पाए जाते हैं, उसमें केमिकल रहता है जो हमारे बालों को फ़ायदा तो पहुंचाता ही, साथ ही साथ नुकसान भी पहुंचाता है। तो ये बिल्कुल नेचुरल है। आप ये अनियन का जूस आप इसे ऐसे ही अपने बालों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, हम लोगों को क्या करना है, एक पतीला ले लेना है और उसमें कम से कम एक गिलास पानी डाल देना है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे चाय की पत्ती, यानी कि टी, जिसे हम लोग चाय पीने में यूज़ करते हैं, उसी टी को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे दोस्तों। चाय की पत्ती को बहुत पुराने ज़माने से हमारी दादी नानी लोग यूज़ करती थी, अपने बालों पर अप्लाई करती थी। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, इसे गैस के फ्लेम में रख के इसे अच्छी तरीके से खोला लेना है। तो मैं यहाँ पे इसे गैस के फ्लेम में रख दे रही हूँ और इसे अच्छी तरीके से खोला ले रही हूँ, ताकि इसका जो भी गुण है वो पानी के अंदर आ जाए दोस्तों। चाय पत्ती को बहुत पुराने ज़माने से हमारी दादी नानियाँ यूज़ करती थी अपने बालों में। ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, नेचुरल हेयर कंडीशन की तरह भी यूज़ करते हैं हमारे बालों को। बालों में जो आपके स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, रफ़ हो जाती है, तो दोस्तों आप इस पानी को यूज़ कीजिएगा तो ये आपके बालों में जान ले आता है। जैसे आप चाय जब पीते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी आता है दोस्तों, बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप इसे अपने बालों पर अप्लाई कीजिएगा तो आपके बालों में एकदम जान आ जाएगी दोस्तों। तो ये बिल्कुल अब खोल गया है। अब हम लोग को क्या करना है, इसे ठंडा कर लेना है। तो अब मैं इसे ठंडा कर ली हूँ। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, एक कटोरा ले लेना है। अब इस तरीके से स्ट्रेनर की मदद से हम लोग को इसका पानी स्ट्रेन कर लेना है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे इसे स्ट्रेन कर ले रही हूँ। उसके बाद हम लोग को इसे ऐसे छोड़ दीजिए ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे 2 चम्मच अनियन का जूस, जिसे मैंने एक्सट्रैक्ट किया था, उसी अनियन का जूस को हम लोग यहाँ पे 2 चम्मच यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिनिक प्लस शैम्पू यूज़ करेंगे दोस्तों। क्लिनिक प्लस शैम्पू दोस्तों मार्केट में आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। यहाँ मैंने 1 रुपये का सैसे यूज़ किया, ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप चाहे तो इसका बड़ा पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे कट करके इसे यूज़ कर लूँगी। अब हम लोग को इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है दोस्तों हम लोग को जब भी शैम्पू करना चाहिए, हम लोग को उसे लिक्विड कंडीशन में ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही अगर बालों पे शैम्पू अप्लाई कीजिएगा तो जहाँ पे भी अप्लाई कीजिएगा उस जगह पे आपका हेयर डैमेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। तो आप जब भी यूज़ कीजिए उसे लिक्विड करके ही यूज़ कीजिए। तो अब मैं यहाँ पर यूज़ करेंगी नींबू का दोस्तों। नींबू हमारे हेयर के लिए अच्छा होता है, क्योंकि अगर आपके बालों में डेंड्रफ है, रूसी है या इशिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो आप नींबू ज़रूर यूज़ कीजिए। यहाँ पे हाफ नींबू ले ली हूँ, मैं इसे मिक्स कर दूँगी। तो दोस्तों ये मेरा नुस्खा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है दोस्तों।
दोस्तों अब ये रेमेडी आपका बन के बिल्कुल रेडी हो गई। तो चलिए अब मैं बताती हूँ हमें इसे अपने बालों पे अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, अपने बालों को गीला कर लेना है। जब भी हम लोग अपने बालों को शैम्पू करना रहता है तो हम लोगों को क्या करना है, अपने बालों को अच्छी तरह से गीला कर लेना। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपने बालों में इसे डालते हुए धीरे धीरे अच्छी तरीके से रगड़ते हुए ऊपर में भी आप अपने स्कैल्प में रगड़ लीजिए और नीचे में भी इसे स्कैल्प में रगड़ते हुए आप इसे कम से कम 2 मिनट तक अपने बालों पर छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसे पानी से वॉश कर लीजिए। दोस्तों आप इसे वॉश कीजिएगा तो उसके बाद आपके बालों से थोड़े से अनियन के स्मेल जरूर आएंगे, क्योंकि अनियन में सल्फर की मात्रा होती है जो बहुत ही हार्ड होता है दोस्तों, लेकिन 1 से 2 घंटे के बाद वो आपके बालों से रिमूव हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप इस रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, और इस्तेमाल करने के बाद आपको क्या करना है, वापस मेरे कमेंट सेक्शन में आके आपको बतलाना है कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी दोस्तों। तो दोस्तों ये रेमेडी बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आप इसे अपने बालों पर आराम से अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आपको खुद दिखेगा कि आपके जो बाल हो गए बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं और वो धीरे धीरे ग्रोथ भी करने लगेंगे दोस्तों। तो आपको क्या करना है, वीक में कम से कम 2 बार आप इसे ज़रूर अप्लाई कीजिए। ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। तो अगर आप इसे अपने बालों में कंटिन्यूसली यूज़ कीजिएगा तो 15 से 20 दिन के बाद आप खुद देखिएगा कि आपके बालों में क्या रिजल्ट आपको मिला है। तो दोस्तों आप इसे अप्लाई कीजिए, और अप्लाई करने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बतलाइए दोस्तों कि आपको ये रेमेडी कैसे लगी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर मेरी रेमेडी पसंद आएगी तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल नेचर केयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे जो बेल आइकन दी उसे भी प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी इसी तरीके से हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, खुशियाँ बांटिए। बाय बाय, टेक केयर।